Hey guys, welcome back to my channel. और आज एक छोटा सा या मेरे कप रखा हुआ है आज एक छोटा सा मैं एक ये वीडियो डालने वाली हूँ आज, क्योंकि कल जनाब का बर्थडे था और हमने मैंने और बेटू ने मिल के छोटा सा सरप्राइज छोटे सरप्राइज इकट्ठे किए थे और मतलब अरेंज करके उनके लिए, तो उसकी छोटी सी मैंने क्लिप ली है. तो मैं आज इस व्लॉग में आज वही मतलब दिखाने वाली हूँ. ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, मतलब लेंदी ही नहीं होगा एक्चुअली. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा वीडियो है ये आज का, तो वो देखिएगा. फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब मैं एंड करूँगी आपसे मिलूँगी. पहले ये वीडियो आप देखिए, छोटी सी क्लिप देखिए कि हमने क्या छोटा सा ढूंढ ढूंढ के किया था. मतलब जो उन्हें पसंद है, मतलब एक्चुअली जो उन्हें पसंद है मेरे हस्बैंड को, वो हमने मैंने और बेटू ने ढूंढ ढूंढ के मतलब अरेंज किया था. कुछ जगह बेटू गया था, कुछ जगह मैं गई थी लेने. तो वही बस छोटा सा अरेंजमेंट हमने किया था और उनका वेट किया था सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि उनका दिन भर उनकी मीटिंग्स चलती हैं. तो हम मैं और बेटू कितनी बार फ्रिज में और फ्रीज़र में हमने सामान रखा, निकाला, उनके आने से पहले सब कुछ दिखाना, मतलब टेबल पे रखना भी था उनके रूम से बाहर आने से पहले. तो ये सब मतलब छोटा मोटा हम लोगों ने किया, उसमें मज़ा भी आता है. बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का इसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं होती हमेशा. तो चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं. तो गाइज ये हैं समोसे और ये साइड में हमने चिप्स, ये सारी आप देख लीजिए कितना हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के लेके, मतलब छोटे छोटे लेके आई. ये मैंगो है, मेरे हस्बैंड को मैंगो बहुत पसंद है तो उनके लिए लेके आई, कट करके फ्रिज में रखा था. ये फलूदा है और साइड में कोल्ड ड्रिंक है, कोक है और ये माजा. एक साथ तो सब नहीं खाने का, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. ये बेटू ने कार्ड बनाया है उनके लिए और ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट हाँ सब एक साथ हमने रखा, सरप्राइज़ एक साथ दे दिया. ये आइसक्रीम है, ये बाकी गई टॉफ़ी उन्हें बहुत पसंद है, मतलब मीठा उन्हें बहुत पसंद है. तो ये छोटा 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 लेके हम लोगों ने ये आइसक्रीम और ये जलेबी, इमरती, ढोकला और वो पेस्ट्री भी मुझे लेनी थी बट वो मिली नहीं थी. अब देखते हैं अगर थोड़ी देर के बाद, अगर उन्होंने बोला था हाफ एन आवर के बाद मिलेगी, तो देखते हैं दोबारा हम जाते हैं कि नहीं. तो ये सारा हमने इकट्ठा किया है, पेस्ट्रीज में बाकी हैं अभी. और क्या बाकी है, और तो कुछ बाकी नहीं शायद, कार्ड. और हाँ, वो मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर की थी इनके लिए, तो वो अभी नहीं आई, आज वो आने वाली है थोड़ी देर के बाद. ये देखिए फलूदा, बेटू और इनके लिए फलूदा लाई थी मैं, और अपना मैं खुद वहाँ कुल्फ़ी खा के आ गई क्योंकि मुझे फलूदा खाना पसंद नहीं है ज़्यादा. तो और ये इमरती, जलेबी या समोसे, ये सारा बेटू लेके आया है और बाकी चीज़ें मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत, ढोकला और ये मतलब कुछ कुछ मैंगो, ये सब मैं लेके आई हूँ इधर से दूसरी साइड से. तो हम दोनों निकल गए थे अपने अपने काम पे. ये बेटू ने कार्ड बनाया है उनके लिए जो छुपा के रखा था, अब वो देगा साथ में. और मेरी टी शर्ट जो मैंने ऑर्डर की थी वो आने वाली है, कॉल आ गया था, जो मतलब जो बंदा देने आने वाला है उसका कॉल आया था, मैंने कहा फटाफट लेके आ जाओ भाई. और ये मैंने भगवान को भोग पहले लगा दिया था सारी चीज़ों का. ये हलवा और खिचड़ी बना के मैंने नीचे गार्ड वाले लोग को भेजा है, तो वो भी मैंने भोग लगाया भगवान को पहले. और जो भी कुछ हम लोग लेके आए खाने के लिए सारा पहले भगवान को लगा दिया, चढ़ा दिया. और अब हम खुद भी खाएंगे, इनको भी खिलाएंगे. मैंगो भी है, सब कुछ है, एक एक पीस रख दिया था. भगवान को चढ़ा देना चाहिए, जो भी घर में हम लोग कुछ लेके आते हैं, टॉफ़ी सब कुछ खाते हैं भगवान. ये सब भावना है, मतलब श्रद्धा है अपनी. तो मैंने ये भी चढ़ा दिया था. उसके बाद ये देखिए टी शर्ट आ गई है और ये फ्रेंच कनेक्शन की टी शर्ट ली थी मैंने उनके लिए, फुल टी शर्ट है, वाइट प्रिंटेड है, तो मुझे लग रहा है कि सही लगेगी उन पे और मुझे तो अच्छी लगी. अब देखते हैं पहनने के बाद, वो आए बाहर रूम में अपने मीटिंग्स में बिजी हैं, जब वो फ्री होंगे तो बाहर आएंगे. मैं और बेटू वेट कर रहे हैं कि बाहर आए और हम अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करें. पेस्ट्री नहीं आई अभी, देखती हूँ कॉल करके, थोड़ा देर वेट करके शायद उनके बाहर आने से पहले मतलब रूम से उनकी मीटिंग्स ख़त्म होने के पहले अगर हो जाता है तो पेस्ट्री भी आएगी. ओहो आ गई, बेटू से मंगाई मैंने, कॉल आया था कि पेस्ट्री आ गई आप ले सकते हो आके, तो हमने मंगा ली. ये चॉकलेट वाली बेटू की है और ये ब्लैक फॉरेस्ट मेरी और जनाब की है. तो सब कुछ रेडी है, बस उनका उनकी मीटिंग ख़त्म होनी बाकी है. वो ख़त्म हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं. ये देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब अंदर रख दिया क्योंकि वो गर्म होने वाला था, तो मैंने फलूदा, कोल्ड ड्रिंक्स सब अंदर रख दिया है. और ये थोड़े लड्डू मंगाए थे भगवान को मंदिर में चढ़ाने के लिए,
तो जब वो फ्री होंगे तो मंदिर जाके आएंगे। तो ये अभी रख देती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर मीटिंग में बिजी हैं और मैंने पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो बोल रहे हैं 10 मिनट और लगेगा अभी, उसके बाद बस फिर हम अपना मंदिर भी जाना है इनको, मतलब मैं चाहूँगी साथ में, वो भगवान को प्रसाद चढ़ा के आएंगे। और मैंने केक नहीं मंगाया क्योंकि हम तीनों ही हेल्दी हो रहे हैं तो हम तीनों ही खा जाएंगे वो केक, तो इसलिए मैंने पेस्ट्री मंगा ली है, वो एक ही बात है। तो बस ये बाहर आ जाएं, यही छोटा सा हमने सेलिब्रेशन आज किया है और इनका वेट किया है और ये जनाब आ गए बाहर, अब हम सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो? और हम लोगों ने बस छोटा मोटा ही सामान जो भी खाने की चीज़ें वो इकट्ठी की थी, उनको मैंगो पसंद है तो मैं मैंगो लेके आई थी और वो चिल्ड करके उनको दिया, और क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ नहीं था खाने का, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक थी, कोक थी, और फलूदा उन्हें पसंद है इसलिए फलूदा भी था, जब जो मन करे वो खाएं, जलेबी उन्हें बहुत पसंद है समोसे और जलेबी तो इसलिए वो भी था, और भी बहुत कुछ है लेकिन इतना सारा ऑलरेडी इतना सारा हो गया था तो खाना तो हमें ही है फाइनली, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना था, नहीं तो उनको कचौरी भी बहुत पसंद है तो वो भी कर सकते थे, बट सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता था। तो और स्वीट्स में उनको टॉफ़ी पसंद है, उनको एक मुट्ठी टॉफ़ी खा जाते हैं अगर मैं उनको मना करती नहीं करती तो इसलिए टॉफ़ी रखी थी मैंने, और चॉकलेट्स चॉकलेट भी थी, और एक आइसक्रीम भी लाई थी मैं दो तरह की, मतलब दो तरह से लेके आई थी। तो ऐसे छोटे छोटे छोटा करके उन लोगों ने, मैंने और बेटू ने कलेक्ट किया था सामान, कुछ जगह बेटू गया था कुछ जगह मैं जाके, और जल्दी से कि वो बाहर आके वो हम लोग जब प्लेट कर लगा रहे थे, मतलब प्लेट में जब सर्व कर रहे थे तो बेटू ने प्लेट में डेकोरेशन किया था कि कैसे कैसे लगाना है, तो हम लोग रूम बंद करके कर रहे थे कि जब सब कुछ हो जाएगा फिर बाहर लेके जाएंगे। तो बस यही छोटा मोटा किया था तो मज़ा भी आया था और उनको बहुत अच्छा लगा जब वो बाहर आए, उनको लगा इतना सारा इन दोनों ने मिलके किया है तो बहुत खुश हुए। तो बस इतना ही किया था, और टी शर्ट मैंने मंगाई थी उनको बहुत अच्छी लगी और आ भी गई सही से, तो और बेटू का कार्ड भी बहुत अच्छा था, अंदर उसने जो लिखा था मैटर बहुत ही अच्छा था, और इस बार उसने अच्छी हैंड राइटिंग में भी लिखा था क्योंकि मैं उसे बहुत टोकती हूँ। तो खैर बस इतना ही था तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए पसीने आ रहे, फ़ैन ऑफ कर देती हूँ नहीं तो फ़ैन की आवाज़ आती वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलने का इंतज़ार करिएगा, और कुछ बेहतर हमेशा करिएगा, अपने आप को अपने मतलब खुद को खुद से बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मैं भी वही करती हूँ थोड़ा थोड़ा, और अपनी कमियों को भी देखना चाहिए तो वो भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ और बेहतर इंसान बन सकें, बस यही। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।